कैल्शियम के दो सोर्स मैं बताता हूँ, एक तो मिल्क आपने बताया, एक केला आपने बताया, या आपने पालक बता दिया, दोनों के कैल्शियम है तो कैल्शियम ही सी ए, लेकिन उसको माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे तो दोनों डिफरेंट हैं, बोथ आर डिफरेंट, दोनों के कैल्शियम डिफरेंटली काम करते हैं, कैसे इसको जरा अंडरस्टैंड करते हैं, दैट इज समथिंग रियली रियली इंपॉर्टेंट। ये पत्थर, जैसे पत्थर की आवाज आते हैं तो ये सफ़ेद पत्थर टाइप है ना, देख रहे हैं ना ये, राइट, तो वो काला पत्थर था जो आपके पास था, एंड दिस इज अ काइंड ऑफ सफ़ेद पत्थर, लेकिन ये सफ़ेद पत्थर है क्या? तो लेकिन अब क्लू के लिए आप स्मेल करेंगे तो जैसे वो कोकोला का स्मेल था, उस स्मेल की वजह से आप बता रहे थे ये तो कोकोला है, राइट, सिमिलरली इसकी स्मेल की वजह से बता रहे हैं कि तो घी है, बट इन रियलिटी यू आर राइट, ये घी है, लेकिन इसका जो रूप है दैट इज ये पत्थर है। सो ये जो है ये दूध का कैल्शियम है, ये दूध का कैल्शियम है, दूध को विनेगर डालेंगे जैसा आप करते भी पनीर बनाए, उसको उबालेंगे थोड़ी देर तक, फिर रख देंगे दो चार दिन तक, सात दिन तक, तो अल्टीमेटली सारा पानी निकलने के बाद जो दूध का कैल्शियम है वो ऐसे पत्थर बन जाता है, राइट, जबकि वेजिटेबल वाला कैल्शियम कभी पत्थर नहीं बनेगा, बनेगा ही नहीं, राइट। सो जो आप कैल्शियम पिल्स लेते हैं, कैल्शियम की जो गोलियां लेते हैं, वो वेजिटेबल कैल्शियम से नहीं बन सकती, क्योंकि वो गोली फॉर्म में बनेगी नहीं, राइट, वो लेते हैं रॉक से कैल्शियम कार्बोनेट, राइट, चूना से, वो वाला कैल्शियम होता है, तो वो भी रॉक है, पत्थर है ही, उसका नाम ही पत्थर है, राइट, और ये भी पत्थर है। तो दूध जो है अल्टीमेटली बॉडी के अंदर जाएगा, तो ये कैल्शियम जब बन जाएगा दिस पत्थर, याद रहे पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, राइट, वो काला पत्थर मार रहे थे, अब सफेद पत्थर ही मार रहे हैं। सो अभी थोड़े दिन पहले हेल्थ डिपार्टमेंट ने मुझे इनवाइट किया हरियाणा के, और कहा आपका एक लेक्चर हमें रखाना है आयुर्वेदिक कॉलेज कुरुक्षेत्र में, मेडिकल कॉलेज, वहाँ के सारे प्रोफेसर के लिए। लेक्चर लेते लेते दिमाग से मेरे निकल गए कि ये आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज है, और दिमाग से ये बात भी निकल गई कि इस कॉलेज में तो आयुर्वेद में तो दूध का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, राइट, और फिर एक्सप्लेनेशन जब ऐसा हुआ तो प्रोफेसर ने प्रोटेस्ट कर दिया उसी वक्त कि आप यहीं रुकिए, हम सब आयुर्वेद हैं, आप आगे नहीं बोल सकते, आई वी प्रोटेस्ट। तो मैंने उनको चैलेंज किया कि आप प्रोटेस्ट मत कीजिए, आप मेरे साथ डिबेट कीजिए, राइट, हमें आयुर्वेद प्रमोट करना है या आयुर्वेद प्रमोट नहीं करना है, हम उस पर नहीं जाते, कोई भी चीज़ जिससे इंसान ठीक होता है हमारा तो इंटेंशन उस पर है, राइट। तो मेन इंटेंशन क्या है कि इंसान ठीक होता है। हरियाणा भी एक जो स्टेट है हमारा स्टेट, ये दूध का स्टेट माना जाता है, दूध यहाँ ज़्यादा पीते हैं। तो मेरे लेक्चर में दूध जब ये वाला टॉपिक आता है तो कई बार लोग प्रोटेस्ट करते हैं बिकॉज वो इमोशनली जुड़े हैं, लेकिन हम साइंटिफिकली बात करते हैं, साइंटिफिकली तो यही है कि ये जो कैल्शियम है, ये दूध का कैल्शियम है और ये बॉडी में जाता है तो ये पत्थर बन जाता है, राइट, लाइक दिस। और वेजिटेबल का कैल्शियम कभी भी इस तरह से पत्थर बन नहीं सकता, इसलिए जितनी भी गोलियां बनती हैं या तो दूध के कैल्शियम से बनती हैं या गोलियां बनती हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट जो रॉक्स जो पत्थर है उससे बनती हैं। तो जितनी बार आप दूध या दूध का प्रोडक्ट ले रहे हैं, खा रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, चाहे पनीर हो, चाहे दही हो, चाहे लस्सी हो, चाहे दूध इटसेल्फ हो या छाछ हो, राइट, या कोई मिठाई हो या आइसक्रीम हो, आपके बॉडी के लिए वो पत्थर मारने के बराबर है, राइट। आपका बॉडी उसमें बिहेव करेगा कि जब आप कोई पत्थर सिर पे मारेगा वो पत्थर दिखने में सफ़ेद होगा तब भी चोट लगेगी, दिखने में काला हरा होगा तब भी चोट लगेगी, पत्थर तो पत्थर ही है, बाहर से भी चोट करेगा अंदर से भी चोट करेगा। अब कई बार लोग आर्गुमेंट देते हैं, छोटे बच्चे इन्फेंट हैं वो तो दूध पीते हैं, उनके बॉडी में क्यों नहीं वो पत्थर की तरह काम करता है, माँ का दूध जब पीते हैं वो क्यों उनके लिए बेनिफिशियल होता। सो यहाँ पे हमें ये समझना होगा, आप में से कुछ लोगों का आइडिया होगा भी, नहीं है तो आप समझ लीजिए, हमारे एक छोटा बच्चा जो एक साल तक का बच्चा होता है उसके बॉडी का जो हीमोग्लोबिन है, राइट, हीमोग्लोबिन ब्लड रेड ब्लड सेल का पार्ट है और वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है। बच्चे का, छोटे बच्चे का, इन्फेंट का, एक साल दो साल तक उनका हीमोग्लोबिन, उसे कहते हैं फीटल हीमोग्लोबिन इन इन्फेंट्स, वो हीमोग्लोबिन हमारे हीमोग्लोबिन से भिन्न होता है, डिफरेंट होता है। कैसे डिफरेंट होता है? जो बच्चे का जो हीमोग्लोबिन है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर ऑक्सीजन कैरियर है, they are the better oxygen carrier than the hemoglobin of the adults हमारा, right? So they can carry oxygen better, वो ज़्यादा oxygen को अच्छा carry कर सकते हैं क्योंकि उनकी bonding different होती है, right? उनकी bonding different, जैसे for example आप एक गाड़ी को carry करना चाहते हैं, एक गाड़ी खराब हो गई रास्ते में, आप उसको tow कर रहे हैं, tow करने के लिए आप एक रस्सी से भी tow कर सकते हैं, एक मोटे chain से भी tow कर सकते हैं। अगर मोटे chain से tow करेंगे आप ज़्यादा अच्छा tow कर पाएंगे, टूटने का खतरा कम है। तो जो मोटा चेन है उसको मेडिकली कहते हैं गामा गामा, राइट, गामा चेन, राइट, और जो पतला वाला चेन है जो हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन में है उसे कहते हैं अल्फा या बीटा चेन,
तो हमारे बॉडी का हीमोग्लोबिन के अंदर जो चेन बनता है जो ऑक्सीजन को पकड़ के रखता है दैट इज अल्फा एंड बीटा, और एक बच्चे का बॉडी का जो हीमोग्लोबिन है उसमें जो चेन है जो कैल्शियम को कनेक्ट करता है वो क्या है, गामा चेन, दैट इज स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, राइट। तो वो कुदरत ने ऐसा किया है कि जब तक ये बच्चा दूध पिएगा, जो कि पहले कुछ महीनों में ही पिएगा, जब वो कुछ और सामर्थ्य नहीं है, दांत नहीं निकले, अपने हाथ से नहीं खा सकता, तब तक वो मदर स्पीड पे डिपेंड है, मदर मिल्क पे डिपेंड है, तब तक इसकी जो ऑक्सीजन बॉन्डिंग है वो मैं हीमोग्लोबिन की वो बहुत दूसरा कर देता है, दैट इज कॉल्ड फीटल हीमोग्लोबिन। मतलब ये कि जब ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में हो देन ये जो कैल्शियम है ये बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, दूध का कैल्शियम, राइट। यानी कि आप में से किसी के बॉडी में अगर फीटल हीमोग्लोबिन अभी दौड़ रहा है तो आप दूध पी सकते हैं, आपको नुकसान नहीं होगा, लेकिन वो तो तभी दौड़ रहा था, एक साल दो साल तक तो दौड़ ही नहीं रहा, या दौड़ रहा तो 1% दौड़ रहा, दैट इज नॉट एनफ, राइट। तो ये तो, अब यहाँ पे एक आर्गुमेंट आता है, हमारे पूर्वज वो तो दूध पीते थे, हमसे हमारे दादा और दादा था वो तो दूध पीते थे, तो तब वो कैसे, वो तो हेल्दी थे, 100 साल में मरे, तो तब भी तो ये कैल्शियम ऐसे ही था। अब इसमें जरा अंडरस्टैंड कीजिए, देखिए दो तरीके हैं दूध को मेटाबोलाइज करने के बॉडी के पास, एक तो या तो फीटल हीमोग्लोबिन हो बॉडी में तब दूध मेटाबोलाइज हो जाएगा, दूसरा वो इंसान 4-5 घंटे धूप में रहे, तो धूप क्या कौन सा विटामिन बनाता है बॉडी में, विटामिन डी बनाता है, हाँ विटामिन डी बनाता है। अब विटामिन डी जो है, राइट, विटामिन डी जब वो भी जाता है एक अलग रिसेप्टर के थ्रू, कैल्शियम जाता है अलग रिसेप्टर के थ्रू, विटामिन डी इनसाइड द सेल्स इट डिसिप्लिन्स द कैल्शियम, उसके पास ताकत है, डिसिप्लिन है कैल्शियम को कंट्रोल में रखने की। अब बताइए आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि वो दिन भर में 4-5 घंटे धूप में रहते हैं। अब आप ये सोचिए आपके जो पूर्वज थे, आपके जो दादा हैं, उनसे पूछिए वो कितने घंटे वो धूप में रहते थे या रहते हैं, राइट। सो ये दो चीजें अगर कर पाए, या तो फीटल हीमोग्लोबिन दौड़ रहा हो बॉडी में तो आप दूध पी सकते हैं, या फिर आप 4-5 घंटे सूरज की रोशनी में बाई चांस रह रहे हो तो भी मिल्क मेटाबोलाइज होगा। अगर इन दोनों में से कोई भी चीज नहीं है तो वी आर नॉट मेड फॉर द मिल्क, हम दूध के लिए है ही नहीं। थैंक यू। और आपका ये जो आज का एपिसोड है, ये एपिसोड है एज ए रिजल्ट ऑफ जो आपने पिछले मेरे एपिसोड में कमेंट में डाला था कि अगला एपिसोड क्या बनेगा, इसका मतलब ये है कि अगला एपिसोड के लिए भी इस एपिसोड में जो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि क्या किस पे बनना चाहिए, जो भी आपके प्रॉब्लम्स है वो बताइए, और मैं उस पे हमारी टीम और हम मिलके अगला एपिसोड बनाएंगे। और ये भी मैं चाहता हूँ कि ये देखिए, भगवान ने हर प्रॉब्लम का बहुत आसान सोल्यूशन दिया है, आसान, सेफेस्ट, फास्टेस्ट एंड लॉन्ग टर्म बेसिस, यानी कि परमानेंट क्योर। तो ये अपने तक ही सीमित ना रख के आप किसी भी फॉर्म में ही लोगों तक पहुंचाइए, दैट इज़ व्हाट आई कॉल एज ह्यूमैनिटी। धन्यवाद, थैंक यू।